नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा इस स्पीमेंट टैबलेट से रिलेटेड। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं इस दवाई से रिलेटेड, वह आपको इसमें आपको उसके आंसर जरूर मिल जाएंगे। तो इस स्पीमेंट टैबलेट एक हिमालय कंपनी की टैबलेट है और काफ़ी पुरानी और काफ़ी प्रसिद्ध टैबलेट है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्पर्म में गुणवत्ता बढ़ानी हो, वहाँ पे इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी मेल इनफर्टिलिटी की शिकायत रहती है, जो कि ओलिगो स्पर्म में एक मेन चीज़ होती है कि स्पर्म काउंट कम होना, शुक्राणुओं की संख्या कम होना, तो ये वहाँ पे दी जाती है। अगर उनकी मोटिलिटी कम है, जो उनकी मूवमेंट की क्षमता है वह कम है, वहाँ पे दी जाती है। स्पर्म्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो कुल मिला के इसका जो मेन एक्शन है, इसका एक्शन है हमारा जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। माइंड में क्वेश्चन आता है कि आपको टैबलेट कब शुरू करनी चाहिए, तो सिंपली आपको ये टैबलेट ऐसे ही स्टार्ट नहीं करनी है। आप अपनी सबसे पहले स्पर्म काउंट की जांच कराएं, सीमेन की जांच कराएं, उसके बाद में आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप टैबलेट लेना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है या डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो आपको सबसे पहले जांच करवानी जरूरी है, उसी के बाद आप ये मेडिसिन स्टार्ट करें। ऐसे ही मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है। अगला आता है कि मेडिसिन आपने कितने दिन लेनी है, तो मेडिसिन आपने 1 से 3 महीने तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट माइंड में आता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, तो इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नोटिस नहीं हुआ है। और आप क्या इसको किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, तो आप इसको किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि कितने रुपए की ये आपको मिलेगी, तो दोस्तों स्पीमेंट टैबलेट अगर आप लेते हैं तो ये आपको 140 रुपये तक, 130 रुपये तक की आपको मिलेंगी। 60 टैबलेट इसके अंदर होती हैं, टैबलेट फॉर्म में बनी हुई मेडिसिन है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको लेनी किस तरीके से है, मेन चीज़ है इसमें डोज किस तरीके से लेनी है। तो इसकी दोस्तों आपने डोज लेनी है स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में 2-2 टैबलेट सुबह शाम, 2 टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट शाम में। खाना खाने के बाद आपने मेडिसिन लेनी है, दूध से लेनी है, और ये मेडिसिन आपने स्टार्टिंग के 3 हफ्ते सेम इसी प्रोसीजर से लेनी है। उसके बाद में आपने मेडिसिन की डोज घटानी है। अगले जो आपने मेडिसिन लेनी है स्टार्टिंग के 3 हफ्ते मतलब 20-22 दिन आपने जो मेडिसिन लेनी है 2-2 टैबलेट लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, और उसके बाद आपने मेडिसिन 1-1 टैबलेट लेनी है सुबह शाम, 1-1 टैबलेट खाना खाने के बाद, दूध के साथ आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। अगला क्वेश्चन माइंड में आता है कि आप इसको कॉन्फिडो टैबलेट के साथ ले सकते हैं या फिर नहीं, तो श्योर आप इसको कॉन्फिडो टैबलेट के साथ भी ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपने एक ही टैबलेट का यूज़ करना है, 1 टैबलेट आपने स्पीमेन की यूज़ करनी है सुबह शाम में, और उसी तरीके से आपने 1-1 टैबलेट सुबह शाम कॉन्फिडो टैबलेट की यूज़ करनी है, जो कि हिमालय कंपनी की बनी हुई मेडिसिन है जिसका काम स्टिमुलेट करना है और थोड़ी टाइमिंग बढ़ाना है। तो ये था सारा स्पीमेंट टैबलेट के बारे में। रिजल्ट की हम बात करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। रिजल्ट आने में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, किसी किसी पेशेंट को 15 दिन में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी किसी पेशेंट को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो दोस्तों बस ये था स्पीमेंट टैबलेट के बारे में। आई होप वीडियो यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।